अज़ीज़ दोस्तों असलकम नमस्ते सत श्रीकाल गुड आफ्टरनून आ, पाकिस्तान का एनअल बजट पेश किया गया जून में पेश किया जाता है हर साल उसके लिए मैंने पहले ही आपको वीडियोज़ में बताया था कि वो हमारा जो पाकिस्तान का इतना बड़ा दुश्मन इंडिया है उसको फ़ौर इतना बड़ा कर दिया जाता है मार्च और अप्रैल मई में और एल ओ सी पर मामला शुरू हो जाते हैं और ताकि मिलिट्री बजट को बढ़ाया जाए और ये चीज़ें चलती रहती हैं वंस बजट सेटल हो जाता है तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल भीगी भी बिल्ली बन के कोने में बैठ जाएंगे और अपनी प्रॉक्सीज और टेररिज्म की बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे बढ़ाएँगे देखें पाकिस्तान के बजट के ऊपर आप कोई भरोसा तो नहीं कर सकते दुनिया जहाँ में ऐसा होता है जैसे इंडिया का मिसाल ले लें मार्च में इनका जो बजट आता है तो उसकी एक पूरी प्लानिंग होती है और पूरे साल के हिसाब किताब देख के और फिर उस बजट को के ऊपर रहते हैं हुकूमतें जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो उसी बजट के दायरे में ये सर्कल में रह के काम करती हैं हमारे पाकिस्तान में बारह तेरह बजट आते हैं ये जून का जो बजट आता है पहले ऐसा नहीं होता था पहले एक बजट आया पूरा साल उसको जैसे तैसे करके भी चल जाता था लेकिन अब ये कुछ सालों से और तौर पर ये हमारे जो डोंकी किंग हैं इमरान खान उनकी हुकूमत में तो कोई हिसाब किताब नहीं है तो हर महीने एक बजट आता है कभी है। पेट्रोल की प्राइस तो हफ्तों के हिसाब से बढ़ती घटती है घटती तो नहीं है घटती है तो पेट्रोल ही बंद कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस ले लें हर चीज़ की प्राइस जो कंज्यूमर उसकी प्राइस है, ट्रांसपोर्टेशन ले लें सब कुछ वो हर महीने दो महीने में बढ़ती रहती हैं कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि कंट्रोल होता है एक नॉर्मल डेमोक्रेसी में एक बनाना रिपब्लिक में एक स्टेटोक्रेसी में कंट्रोल नहीं होता तो बजट से पहले जो पा, पाकिस्तान आर्मी की कोशिश ये थी कि अपना बजट को बढ़ाया जाए अब इनके साथ एक बड़ा सेटबैक होता है होता यह है कि इनका जो मिलिट्री स्पेंडिंग होती है वो टोटल डॉलर्स में होती है और uh, इनका जो पाकिस्तान में बजट एलोकेशन होता है वो रुपीस में होता है तो अब अगर आप देखेंगे ना तो रुपीस में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान आर्मी का इस साल का बजट जो है ना वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा है इंक्रीज़ हुआ है और यही हम लोग जो शोर कर रहे हैं लेकिन हकीकत में आप देखें ना तो डॉलर की जो फ्लक्चुएशन हुई है ख़ासतौर पर ये डोंकिकी किंग के जो पिछले एक साल के दौरान आपने देखा है कि डॉलर प्राइस और रुपीस के हिसाब से जो मामलात खराब हुए हैं तो उसमें डॉलर में ये जो मिलिट्री बजट है ना वो पिछले साल से कम है तो इनकी कम है तो उसमें ये कई अरसे से लगे हुए थे कि हम किसी तौर पर मिलिट्री बजट बढ़ाएं उसके लिए आपने देखा ही है कि बार बार पाकिस्तान में गजवा हिंद का जो माहौल छेड़ा गया है और इंडिया दुश्मन और बस अब तो हजूर अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है उसका वक्त पूरा करने का आ गया है और इंडिया में तो हिंदुत्व आइए वो करके मिलिट्री बजट के लिए ये लगे हुए थे अब किसके साथ लगे हुए थे आप भी ये कह रहे होंगे कि ये बढ़वा किससे रहते जब मालिक खुद दें डिसाइड खुद कर, करते हैं हर चीज़ खुद तो एक तो ये है कि इनको थोड़ा बहुत तो आवाम को भी थोड़ा बहुत तो वो देखना होता है ना कि वो करना मतलब कंधा दूसरा रख के बंदूक फायर करनी होती है दूसरा ये है कि इनको आईएमएफ के डिक्टेशन पे चलते हैं मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है पाकिस्तान के जो फॉरेन वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ फॉरेन जो डेट्स हैं उसमें ग्यारह परसेंट तो मेरा ख्याल है खाली चाइनीसों का है तो आप जब किसी के मकरूज होते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि एक आम आदमी है जो यूरोप में ऐसा होता है कि उसके ऊपर कई पानी वालों के बिजली वालों के सबके इतने सारों के बिल जमा हो जाते हैं कई महीनों के सालों के और वो चारों तरफ से मकरूज हो जाता है बैंकों का कर्जा ये वो तो एक गवर्नमेंट अदालत जो है वो एक बॉडी बनाती है और जो सबका कलेक्टिव डेट जमा करके तो फिर और फिर उस आदमी को मजबूर किया जाता है कि हाँ भाई तुम्हारे क्या क्या खर्चे हैं तुम ये खर्चे कम करोगे ये बढ़ाओगे तो ये डिक्टेशन पर चलते हैं क्योंकि पूरा मुल्क भिकारियों का मुल्क है भीख लेके तो काम चलाते हैं तो उनके इशारे पर चलना होता है कि कितनी प्राइस रखनी है कितनी कुछ जैसे कि आई ने मैंने आप याद करें मैंने ट्विटर पर भी किया था और पिछले महीने पिछले हफ्ते दो तीन हफ्ते पहले दो हफ़्ते पहले और यूट्यूब में भी कि गवर्नमेंट सैलरीज ने गवर्नमेंट इंप्लॉइज सिविल सर्वेंट्स की सैलरीज नहीं बढ़नी चाहिए आईएमएफ ये अखबार की कटिंग मैंने लगाई थी देखें नहीं बढ़ी ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान में कि सिविल सर्वेंट्स की सैलरी नहीं बढ़ी इंडेक्सेशन एक चीज़ होती है मैं तो इकोनॉमिक का स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन इंडेक्सेशन हम बेल्जियम में थे तो हर साल आ जाता था कि इंडेक्सेशन यानी प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर और ये वो चार परसेंट बड़ी हैं सैलरीज पाँच परसेंट या तीन परसेंट क्या बड़ी हैं इस तरह होता है दुनिया में ले यहाँ नहीं होता है यहाँ तो हिसाब किताब ही नहीं जैसे कल मुशाहिदुल्ला सेनेटर मुशाहदुल्ला है मुस्लिम लीग नून के उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की असेंबली में और उन्होंने पूछा उन्होंने कहा कि ये जिसकी मर्जी आती है वो अपनी सैलरी बढ़ा लेता है अपनी सैलरी सदर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट लास्ट मंथ दो महीने पहले अपनी सैलरी नौ लाख रुपये पर ले गए आप यकीन करें इस बनाना रिपब्लिक के जजेस की सैलरीज पेंशन रिटायर्ड जजेस की पेंशंस आठ आठ नौ नौ लाख है जिन्होंने अरबों रुपया बनाया है अपने इन जजेस के कामों में भी ऑलरेडी और अब रिटायर होकर आठ आठ नौ नौ लाख एक बावरची दिया है एक ड्राइवर दिया है चार सिक्योरिटी गार्ड लाइफ टाइम टेलीफोन बिल किराए मत में इतना ट्रैवलिंग फ्री ये फ्री वो फ्री ये जजेस की एक जज की नहीं है सारे जजेस की ये ही जनरल, जनरल्स की है ये सारी चीजें ये है पाकिस्तान का असल कि जिसकी मर्जी आती है वो तनख्वाह बढ़ा लेता है इमरान खान को आए हुए दो साल नहीं हुए अभी पूरे दो बार इन, इसके असेंबली मेंबर्स ने अपनी तनख्वाहें अच्छा बढ़ाते भी ये नहीं है कि इंसान जरा शर्म हया रख ले चलो यार आपकी तनख्वाह लाख रुपए है तो आप एक लाख दस हजार कर लो एक लाख बीस हजार कर लो लाख है तीन लाख सदर की तनख्वाह सोचे करता क्या है साला खाली इसकी सिक्योरिटी पे दो सो दो सो खाली सिक्योरिटी पे टोटल इसका स्टाफ जो है वो पांच सौ इन्होंने ये जो नेक्स्ट बजट है इसमें गवर्नमेंट रन करने का जो खाली एक्सपेंसिस हैं चार अरब रखे हैं 470 अरब 4,000 4700 सात सौ करोड़ रुपया रखा है खाली गवर्नमेंट रन करने का यानी प्रेसिडेंट हाउस प्राइम मिनिस्टर हाउस गवर्नर हाउसेस ये फेडरल गवर्नमेंट रन करने का खाली 470 अरब रुपया रखा है पूरे मुल्क की तालीम पे इतना नहीं रखा मिला के तालीम और सेहत को आप इतना नहीं रखा जितना खाली ये अपनी गवर्नमेंट रन पे कर रहे हैं जिसमें ये फैसल वावड़ा शे, शेख रशीद, ये इस टाइप के शाह महमूद कुरैशी को हम पाल रहे हैं इनके रन करने का खर्चा खाली चार हजार सात सौ करोड़ रुपया साल का ये बनाना रिपब्लिक का क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं फिगर देखें मैनिपुलेशन देखें इनकी मैनिपुलेशन। पूरे पाकिस्तान से बूट चाटने वाले जो है ना वो शुरू हो गए हैं कि जी देखें मिलिट्री बजट तो पिछले साल से कम है ये है वो डॉलर वगैरह जो मैंने आपको बताया उसमें लाते हैं और फिर कहते हैं क्या है कहते हैं जी सेवन पॉइंट थ्री ट्रिलियन का हमारा बजट है जिसमें से वन पॉइंट टू ट्रिलियन जो है ना वो डिफेंस बजट है डिफेंस बजट ट्वेल्व एटी नाइन है ना ट्वेल्व एटी नाइन बिलियन डिफेंस बजट ऑफिशियल फिगर जो रखा गया है ये कह रहे हैं सेवनटीन परसेंट तो है टोटल बजट का आप क्यों कह रहे हैं पचास फीसद से ज्यादा आइए ना आगे बढ़ते हैं ना इसमें आप वो इंक्लूड नहीं कर रहे थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर बिलियन फॉरेन फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हैं मिलिट्री फोर्सेस आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर बिलियन वो डिफेंस बजट का हिस्सा नहीं बनेगा ये इधर मैनिपुलेशन देखें इधर दिखा रहे हैं सिविलियन बजट में मिलिट्री ऑफिसर्स और जवान की जो पेंशन है वो बिलियन वो भी इधर लगा दिए सिविलियन खाते में ये जितने मिलिट्री के हिसाब किताब है खर्चे वो सिविलियन में लगा के वो खाली साला ऑफिसर बाजवाइन को के कमाने के पैसे हैं ट्वेल्व इनका आप मैन्यूपुलेशन देखें आप फिर फिगर्स जान के क्या करेंगे बात निकली है पेंशन की आप यकीन माने इस बनाना रिपब्लिक में 369 बिलियन रुपीस की पेंशन जाती है मिलिट्री ऑफिसर्स को और सिविलियंस जितने भी हैं पाकिस्तान में 47 से, से अब तक उनकी पेंशन वन हंड्रेड आर्मी की 111 हंड्रेड सिविलियंस की देख रहे हैं आप फर्क इस बनाना रिपब्लिक में पाकिस्तान कर रहा है कोलैप्स होगा नहीं ये तो मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि जो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया है जिन फोर्सेस ने जिन पावर्स ने जिन पावर्स ने हिंदुस्तान की तकसीम की थी बंटवारा किया था और पाकिस्तान बनाया था उनके मकासद थे ना उनके कोई रीजंस थे कोई पर्पसेस थे जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था ना वो सर्व हुए ना वो परपज कोई टेम्परे थे सुपर पावर्स की गेम है ना इसको चलाएंगे ये पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला पाकिस्तान को होगा क्या जब आपके बराबर में एक ऐसा देश बैठा है जिसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह पाकिस्तान इंफल्ट्रेशन कर रहा है पाकिस्तान के टेररिस्ट मजे से आ जाते जाते हैं पाकिस्तान इसके अलावा जो अपने स्लीपर सेल्स वहां बना लेता है एक तरह का पूरा नेटवर्क चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान खुल के कहता है कि हम सिफारती फौजी फाइनेंशियल पॉलिटिकल हर किस्म की हेल्प करेंगे पाकिस्तान चला रहा है इंडिया के एक पीसफुल और प्रोस्पेरस स्टेट पंजाब हरियाणा की खालिस्तान मूवमेंट 2020 के नाम से ये वो इतना कुछ कर रहा है नीचे से आए ऊपर तक जाएं आपको हर जगह पाकिस्तान की इन्वॉलमेंट मिलेगी कहीं पाकिस्तान के लाइकली माइंडेड कहीं खरीदे हुए कहीं नादान दोस्त जो मैं कहता हूँ सब मिल के लगे हुए हैं लेकिन मजा ले जो हिंदुस्तान ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान में कर दे पाकिस्तान हिंदुस्तान के सारे भगोड़ों को सारे टेररिस्टों को पना देता है खाली पना नहीं देता सेवन स्टार लाइफ देता है इनके पूरे परिवार को पूरे खानदानों को इंडिया एक बरामदा बुकटे स्टेटलेस पर्सन है जिसका दुनिया को पता है कि इसकी जान खतरे में और वो वजैलम उसने क्लेम की है स्विट्जरलैंड में उसने इंडिया में अजैलम मांगी इन्होंने जवाब तक नहीं दिया इंडिया क्यों खुल के वो काम नहीं करता जो पाकिस्तान कर रहा है अब मसला क्या है ये हमको भी नहीं पता क्योंकि ये सुपर पावर्स की गेम है तो इंडिया की भी डिप्लोमेटिक लेवल पे आप ले लें या एग्रेसिवनेस वो चीज़ नज़र नहीं आती स्वामी जी और ऐसे दो चार लोगों से कभी छोटा मोटा बयान देने से मामला नहीं सेटल होते तो इनका मसला ये है कि सिविलियन बजट से पाकिस्तान में मैनिपुलेशन करके वो जाता मिलिट्री को ये अब जैसे कि आई एस के ऑपरेशन है होते हैं इनका तो कोई खुला डुल्ला होता है ना हिसाब किताब तो होता नहीं ना फलां को देने इतने फलां को देने कहीं लिखत पढ़त भी नहीं होती फला इंडियन जर्नलिस्ट को देने हर महीने सपोज़ पाँच हज़ार डॉलर फाइलों में पचास हज़ार या दस हज़ार या पच्चीस हज़ार दर्ज होगा क्योंकि हिसाब किताब नहीं होता तो बाकी इनकी कमीशन होती हैं तो ये सब भी सिविलियन बजट से जाता है तो इसलिए फिगर्स पर ज़्यादा जाने की हमें ऐज सच ज़रूरत है नहीं बजट का मसला ये है कि पाकिस्तान है ना वो में कोलेप्स आ रहा था पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम तो टोटल कोलेप्स हो चुका है पाकिस्तान जब आपका घर में कुछ भी नहीं होता खाने को तो आप एक एक करके चीज़ें बेचना शुरू करते हैं तो ऑलरेडी जैसे ग्वादर डेवलप हो रहा है और सारा कुछ है और आज का तो है नहीं है मुशरफ के दौर से गवादर में डेवलपमेंट डेवलपमेंट हो रही है कोस्टल हाईवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनने शुरू हुए थे गवादर पोर्ट और ये सब चीज़ें गवादर एयरपोर्ट बाद में फिर अब बेहतरीन किस्म का एयरपोर्ट बन रहा है ये सब अब वो पाकिस्तान गिरवी रख रहा है आ... कि भाई हमें लोन दो हमें कर्ज़ा दो क्योंकि अब लोन और कर्जे भी मज़ीद नहीं मिल रहे कराची एयरपोर्ट सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स हाईवेज़ सी पोर्ट्स तकरीबन चीज़ें आस्ते आस्ते इसी तरह जो मेट्रो सिस्टम लगे हैं ये सब सब्सिडी पे चलते हैं और ऑलरेडी उसके जो ऑनर हैं वो तुर्की क्योंकि तुर्की ने ये लगाई हैं मेट्रो बसें और मेट्रो ट्यूब ट्रेनें वग़ैरह तो बजट के हिसाब किताब में अगर आप जाएंगे ना तो आपको टोटल डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर हम देखें इकोनॉमिक की सूरत हाल तो एक तो मैंने जैसे आपको कहा कि फॉरेन डेट लेकिन असल जो पाकिस्तान फंसा हुआ है वो है इंटरनल डेट इसकी इंतहा देखें कि पाकिस्तान का टोटल बजट है सेवन पॉइंट थ्री ट्रिलियन मिलिट्री बजट है वन पॉइंट टू बाकी मैनिपुलेशन अलग मैंने पिपुलेशन मिला के मैंने अंदाजा लगाया है थर्टी वन परसेंट ऑफ नेक्स्ट फेडरल बजट है यो मिलिट्री को ये पेंशन और ये सब मिला के मार्कअप पेमेंट खाली मार्कअप पेमेंट ऑन द फॉरेन ऑन द डेट ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर ट्रिलियन ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर ट्रिलियन खाली मार्कअप पेमेंट है उसमें से ट्वेंटी सिक्स पॉइंट थ्री इंटरनल डेट की है अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जितना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर 111 बिलियन डॉलर है मेरा ख्याल है फॉरेन डेट 111 बिलियन डॉलर से ये तकरीबन 15 गुना ज्यादा इंटरनल डेट है ये पूरे पाकिस्तान में भी बैंकों से सबसे गवर्नमेंट ले लेके खा गई है पाकिस्तान के जीडीपी ने जो इमरान खान के खाली दो दो साल में जो पोजीशन है ना वो हद से ज़्यादा खराब है ये कर्जों पे कर्जे ले के ख खर, आगे कर, खर्चे कर रहा है लोन ले रहा है भीख ले रहा है नवाज शरीफ वगैरह का ये था कि उनके साथ सऊदी अरब वगैरह भी बड़े अच्छे चलते थे और पाकिस्तान को भीख ज़्यादा मिल जाती थी ये तो पता नहीं किस किस्म की नस्ल है कि इसको भीख भी ऐसा नहीं मिलती लोन ही मिल रही है पाकिस्तान को जकड़ा जा रहा है कोलेप्स इकोनॉमी की ये हालत है इंटरनल डेट का आसान हल होगा नहीं देंगे को हुकूमत है ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर अपने ही आदमियों को कहती है नहीं देंगे आपका डेट वापस नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे आप तो यही सूरत हाल है अपना बजट की कि बजट के फिगर्स हैं सारा जाना एक ही जगह पे। आपको पता है कि फौज है उसके अंडर में ये जजेस मीडिया पॉलिटिशियंस ये सब कमाते हैं फाइलें सरकारी बाबू चलाते हैं सिविल सर्वेंट चलाते हैं ये सब मिलके एक टोला है पाकिस्तान का वन परसेंट कहले ऑफ द पॉपुलेशन जो पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहा है आवाम को उठना होगा पाकिस्तान में तो हजारों पच्चीस हजार जॉर्ज फ्लाइट तो कराची में मर चुके हैं लेकिन मजा ले जो कौम उठेगी पाक फौज जिंदाबाद जिस दिन कौम उठ गई कि पाक फौज मुर्दाबाद और वो काम करेंगे कि फौज को मजबूरन झुकना पड़ेगा इसके अलावा कोई चारा नहीं बजट फारे गए एज मुझे ज़्यादा लोगों की राय है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ तो ये छोटी तो नहीं है लेकिन बजट था इसलिए ये मैं आपके सामने रखता हूँ अगली वीडियो मैं वापस बनाता हूँ फिर दूसरे मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप सबकी बहुत थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं मुझे और आपके मोटिवेशन पे ही हम चल रहे हैं थैंक यू वेरी मच